ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राधिका तू तो चुप ही रहे, इस सब में तेरा ओपिनियन जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे जानना है राधिका का ओपिनियन क्या है। राधिका, हम सबके लिए, सबके लिए नहीं कह सकते, पर हमारे लिए, हमारे लिए हमारा जॉब कोई शौक नहीं है, जरूरत है हमारी, और सिर्फ हमारी नहीं, हमारे पूरे परिवार की जरूरत है। यार ये स्मॉल टाउन वाले अपनी सॉप स्टोरी क्यों बेचते रहते हैं हर वक्त? पूरा परिवार सुर में सुर लगा के अपना दुखड़ा रोता रहता है। हम कितने गरीब है, कितने मजबूर है, कितने लाचार है, बूहू। अटेंशन चाहिए बस somehow। टिपिकल स्मॉल टाउन मेंटालिटी। हमारे परिवार के बारे में अगर कुछ नहीं पता तो मत बोलो वैशाली, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला तुम्हारे यहाँ पे। और किस स्मॉल टाउन मेंटालिटी की बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है हमारे परिवार में आज तक हमसे पहले किसी भी लड़की ने जॉब नहीं किया, फिर भी किसी ने भी हमें काम करने से रोका नहीं वैशाली। इस स्मॉल टाउन के हमारे परिवार का दिल और दिमाग काफी ज्यादा खुला हुआ है वैशाली, तुम्हारे इस लंदन रिटर्न बॉयफ्रेंड से तो कई ज्यादा, जिसे पता नहीं क्यों लगता है कि काव्या हो, हम हो या कोई भी दूसरी लड़की हो, उसे हमारे जिंदगी के बारे में हमसे ज्यादा पता है। वैशाली प्रॉब्लम छोटे शहरों की नहीं है, तुम्हारी छोटी सोच की है। छोटे शहर से आके तुम मुझे बताएगी कि मेरी सोच छोटी? I won't take it राधिका, तेरी बकवास नहीं सुनूंगी मैं, अपने बारे में और ना ही ईशान के बारे में। तूने जो ईशान के बारे में बोला, जो मेरी सोच के बारे में बोला ना, वापस ले। क्या? वापस ले? Yes. Sorry, बोल, पीछे हट। Take your words back, राधिका। हम नहीं हिलेंगे वैशाली, न अपनी जगह से न अपने शब्दों से। सारी बला अपने ऊपर ही ले गया। ओह गॉड, बच गए। बाद में क्लीन अप कर देंगे। गाइस, विंडो से मेंटेन 6 फीट का डिस्टेंस, ओके? या। श्रीमोय वैसे कहते हैं कि अगर न्यू ईयर में कुछ टूट जाए तो शुभ होता है। अच्छा, कौन से कल्चर में ऐसा कहते हैं? जो भी हमें सूट करे। गुड फन ना गाइस। ओह लॉर्ड। हाँ, एंड दैट झांसी का जलवा वाज तो चुम्मा हिट। सच में झांसी तो छा गई एकदम। हाउ वाज द पार्टी गाइस? बोर तो नहीं हुआ हमारे जाने के बाद? नहीं नहीं, तू बताना, हाउ वाज योर लंच डेट? अरे बता तू क्या खाया? टॉक्सिसिटी, मिसोजिनी। पता नहीं कौन सी विपासना करती है ये, टू बी एबल टू झेलोफाई हिम। आंटी पानी पिएंगे, गर्मी है ना बहुत आजकल। मिसेस तालुस्कर, आज ना बिल्कुल मूड नहीं है, ना मराठी सुनने का, ना बांग्ला बोलने का। लेट्स टेक अ ब्रेक। हाँ, आई सेंड यू सम फूड, ओके? एंजॉय। हाँ, तेरा फूड मांगने नहीं आई मैं, ये नोटिस है, ये देने आई ले। अरे तो व्हाट्सएप कर देती ना, शक्ल नहीं देखनी पड़ती। आई मीन आपको, मेरी। क्या है? तुम लोगों के गमले से ना मेरे पिकलू की खोपड़ी पूछ सकती थी आज। What? How? आपका पिकलू और उसकी खोपड़ी दोनों नहीं थे वहाँ। हाँ देखा, मतलब ये गमला तुम लोगों का ही है। मैं सीधे सीधे पूछती तो तुम लोग मना कर देती, इसीलिए मैंने मेरे पिकलू की खोपड़ी को बीच में लाया। वाह मिसेस तालुस्कर, जीनियस, सीवियर सोसाइटी की शर्लॉक। अच्छा मेरा ना वो क्लोथ का क्लिप घूम गया था 2 महीने पहले, ढूंढ के देंगे आप? अरे तुम लोग क्यों नहीं खोजाते किधर? हाँ, अखे सोसाइटी में ना तुम्हारे फ्लैट में धड़ाम धड़ूम की आवाज आती है हमेशा। अरे तेरे टाइप के लोगों को अलाउ करेगी ना सोसाइटी तो धड़ाम धड़ूम तो होना ही है। अरे व्हाट धारदूर, और व्हाट तुम जैसी लड़कियां, फॉर गॉड से कोई मुझे बताएगा कि मेरा टाइप क्या है? मेरे को तेरे से ना खाली पीली बहस नहीं करनी है।
ये नोटिस दिया है ना वो पढ़ो, और हफ्ता खत्म होने के अंदर अंदर ये लड़कियां ना इधर दिखनी नहीं चाहिए। What? सोसाइटी ने तुम लोगों को टेनेंट रखने के लिए एनओसी नहीं दी है और देगी भी नहीं। अरे आपका प्रॉब्लम क्या है यार, जब भी देखो ये नहीं होगा वो नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा वो नहीं कर सकते, सरसों के तेल में खाना मत बनाओ, खिड़की से आवाज मत करो, सांस मत लो। अरे मेरा घर है यार, मेरी जो मर्जी मैं करूँ, जिसके साथ मर्जी उसके साथ रहूँ। श्री थोड़ा नहीं यार, इनको बोले ना हू द हेल डज शी थिंक शी इज, मेरे घर में मैं क्या करूँ, मेरी मर्जी ना। हाँ मैं बोल सकती हूँ और मैं बोलूंगी क्योंकि मैं सेक्रेटरी हूँ इस सोसाइटी की। मैंने पहले ही बोला था कमिटी को कि ऐसे अमीर बाबा के बिगड़े बच्चों को ना फ्लैट का ओनरशिप नहीं देने का, क्योंकि आई बाबा बेचारे मेहनत करके घर लेते हैं और ऐसे बिगड़े हुए बच्चे अय्या शिकायत क्या बना देते हैं। अरे डर गए क्या आप मुझसे जो मेरे माँ बाप को बीच में ला रही है? हाउ डेयर यू, मेरी मॉम ना कोई बेचारी नहीं है, आप जैसे को ना लंच में ना स्टार्टर समझ के खा जाएंगी। गोंडारे चामरा आमार मार ओरा तो ना अभी कुछ ही ना ए जास्ती ओल्ड नको ओरडता माला पडता समझ ला ना। मी पण बोलू शकते, मी जेवढं सांगते तेवढं लक्षात ठेव, या लड़कियां दिखनी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। अरे यार अगेन यू स्टार्टेड विद योर बट 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 बस कर। अरे उनको बोलना बस करने, लास्ट आई चेक इंडिया वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इनकी डिक्टेटरशिप ना इधर नहीं चलेगी। आंटी हम ना सॉरी बोल रहे हैं। नो वी आर नॉट सॉरी। तू सॉरी बोली लेकिन ये नॉट सॉरी है। आंटी आप इसको छोड़ो, हमारी सुनो ना, हम सॉरी है जेन्युइनली, हम लोग सब बहुत सॉरी है। अरे तू किस किस बात के लिए सॉरी बोलेगी? हाँ रात को लेट आने के लिए सॉरी, सब देखती हूँ मैं, अच्छे घर की लड़की ऐसे नहीं होती है। ए, गोली मत दे मेरे को सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, ये लड़कियां इधर दिखनी नहीं चाहिए बस। आप भी इधर ही है मैं भी इधर ही हूँ, मैं देखती हूँ आप मेरी रूमीज को कैसे निकलवाते हो। हाँ तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक मैं पुलिस को ही बुलाती हूँ, पुलिस के फटके पड़ेंगे ना तुम लड़कियों को फिर पता चलेगा, ये गुंडागर्दी लाने परवानगी देना नहीं, सब उठे उठे। अरे एक मिनट अब क्या हुआ? देख ये फैमिली सोसाइटी है, यहाँ पे ना सभ्य लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, ये लड़कियां ना ऐसी यहाँ पे नहीं रह सकती। इनफ मिसेस तालुस्कर, कब से बोले जा रही है आप हमारी जैसी लड़कियां हमारी जैसी लड़कियां? आप बताइए व्हाट डू यू मीन बाय हमारी जैसी लड़कियां, बोलिए। अरे मुझे बोल के ना अपनी जबान गंदी नहीं करनी है, समझी ना, मुझे पता है तू लड़कों के साथ घूमती है, उनको लेके घर आती है, रात रात में घंटों तक उनके कार में बैठ लेती है, सब पता है मुझे, ये क्या अच्छे घर के लड़कियों के लक्षण होते हैं, बोल। अरे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितना भी टाइम स्पेंड करूँ, कुछ भी करूँ, जीएसटी भरूँ, गाने सुनूँ, लड़ाई करूँ, लूडो खेलूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? वैशाली आंटी सब शांत हो जाइए, हम ना बैठ के इशू डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तेरे को दो दिन हुए आके और तू भी इनके गुंडा गैंग में शामिल हो गई है, मेरे को कुछ डिस्कस विस्कस कुछ नहीं करने का है, अब जो भी डिसाइड करेगी ना वो कमेटी करेगी और उसको क्या करने का है ये मैं बोलूंगी। कविता अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। वृंदा तुझे जो भी बोलना है ना अब कमेटी मीटिंग में बोलना, हाँ और पूछ भी लेना किस किस को मेरा थोड़ा ज्यादा लग रहा है। सच में पुलिस को फोन करने जा रही है क्या? 100 से ज्यादा नंबर डायल किया है तो पक्का पुलिस नहीं है, पर अगर डायरेक्ट कमिश्नर को कॉल किया तो पता नहीं। हेलो मिसेस बैनर्जी, व्हाट डिड शी कॉल माय मदर? परेशान करके रखा है मिसेस बैनर्जी, रोज घर में पार्टियां, रोज लड़कों का आना जाना, अरे घर को तो डेटिंग पॉइंट बना के रखा हुआ है, और ऊपर से आपस में जो लड़ाई करती है, जो शोर करती है, धड़ाम धड़ूम, और कुछ बोलने जाओ ना तो चढ़के आती है। ये सच में घर से बाहर निकाल देंगे क्या श्री? आज पता चला साइको किलर भी इंसान होते हैं, उन्हें भी डर लगता है। बहुत ही सैड जोक था। सुनो कल शाम को ईजीएम है, सब्जेक्ट मैटर मैं अभी बता रही हूँ, तैयारी करके रखना। ये टेनेंट रखने का एनओसी ना तुमने सोसाइटी से नहीं लिया है, और ये पीजी सिस्टम सब इधर अलाउड नहीं है, तो क्या करना है देख लेना, समझे? तुम लोग टेंशन मत लो, हम भी तो सोसाइटी कमिटी में है ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। थैंक यू आंटी प्लीज। अरे अभी से चेहरे पे बारह क्यों बजा लिए, कल ईजीएम की मीटिंग होने दो ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्हाट डिड यू ऑल डू? हाँ थोड़ी देर के लिए गई थी मैं घर से, इतना क्यों कैसे कर लिया तुम लोगों ने? अरे कोई कुछ बताएगा मिसेस तालुस्कर के अंदर का ड्रैगन कैसे एक्टिवेट किया तुम लोगों ने? भी तुम लोग क्या कर रही है यार? हम लोग ने कुछ नहीं किया,
बस एक बेचारा सा गमला गिर गया और उसकी वजह से इतना बड़ा पतंगड़ बनाया उन्होंने। क्या गमला? सॉरी, कम अगेन? यस वी, एक गमला, बस एक छोटा सा गमला। और पता है, गलती गमले की नहीं है, गलती ना हम सब की। एक्चुअली मैं जॉब से लेट आती हूँ तो मैं वैसे टाइप की लड़की हूँ, तेरा एक बॉयफ्रेंड है तो तू वैसे टाइप की लड़की है, और हमारी श्रीमोई ये मैं एग्जिस्ट करती हूँ। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है क्योंकि मैं तो बाय डिफॉल्ट हूँ ही ना वैसी टाइप की लड़की। और बेचारी इस सब में ना राधिका फंस गई, हमारे चक्कर में इसका भी तकलीफ हो जाना है। यार मिसेस तालुस्कर को मेरे बॉयफ्रेंड से दिक्कत क्या है? उनको तो सब चीज से प्रॉब्लम है, पर तेरे बॉयफ्रेंड से ना तुझे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए भी। शट अप राधिका, कांग्रेचुलेशंस, स्मॉल टाउन, गुड गर्ल, शुद्ध पवित्र, सोसाइटी अप्रूव। हम सब तो वैसे टाइप की लड़की है, तू ही है ना बेचारी। वैशाली, हमारे हाथ से घर जा सकता है, तुम्हें अभी लड़ाई झगड़ा करना जरूरी लग रहा है क्या? ये मिसेस तालुस्कर को रोकने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। मॉम, मेरी कोई गलती नहीं है। That lady is devil. She's crass and lowly and what not. But who are you? And forget you, army ke. Why am I having to listen to all this rubbish? Mom, वो rubbish ही बोलती है। टुलटुले, तुम्हार जोने हमारे महिलाटाके अनेक सहयोग करते होच्छे। Not done. Mom, আমি বুঝতে পারছি, প্লিজ আমার কথাটা শোনো, আমি কিচ্ছু করিনি এইবার। শোনো তো তুমি। Is you won't believe আজ ঘর মে কি ড্রামা হুয়া হ্যায়। হুয়া ইয়ে কি হাম লড়কিয়াঁ হ্যায়। वही हमारे लाइफ का सबसे बड़ा ड्रामा है। लड़की की लाइफ ही ड्रामा है एक्चुअली। राधिका, तुम ना रेडी रहना क्योंकि पार्टी अभी शुरू हुई है। मॉम, प्लीज लिसन टू मी वंस। ऐसे ही रैंडम सड़क चलते लोगों को घर पे नहीं रखा है मैंने। आई नो देयर टेनेंट्स, बट देयर आल्सो माय फ्रेंड्स ना मॉम। ऐसे घर, चीजें, फूड, लाइफ सब शेयर करते हैं हम एक दूसरे के साथ, और उनको बस ऐसे ही बोल दूं गो गेट लॉस्ट? No, mom. मेरी जॉब और the lack of it, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जॉब होती फिर भी मैं अपने फ्रेंड्स को निकलने नहीं बोलती। प्लीज मॉम, प्लीज आप मिसेस तालुस्कर से एक बार बात करो, प्लीज मेक हर अंडरस्टैंड की। मॉम, आई विश जस्ट फॉर वंस आप मेरा इस मैटर में तो साइड ले लेती। But I guess I'm asking for too much from my own mother. Thanks. ये लड़कियां कितनी अच्छी हैं, घर से दूर रह के कुछ करने की कोशिश कर रही है, नाम कमाएंगी, पैसा कमाएंगी। मुझे समझ में नहीं आता इस कविता को ना, इन बच्चों से प्रॉब्लम क्या है? कविता आंटी का यही तो प्रॉब्लम है माँ, उनका खुद का यूथ का फेस तो स्किप हो चुका है, तो उनको लगता है यूथ इज लाइक अ डार्क वेब। डार्क वेब? कोई लॉजिक है इस बात में? अरे भाई, लाइफ में थोड़ा एंजॉय करना कोई पाप थोड़ी है। अब हमें देखो, अभी यंग है, हम तो फुल एंजॉय करते हैं। अरे ये देख जरा, ठीक है, परफेक्ट। वैसे भी ये गमला मेरी वजह से टूटा था, हम लोग ऐसे तो बताया क्यों नहीं? जब कविता इतना चिल्ला रही थी तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना। अरे पर माँ, वो उनका पॉइंट नहीं था ना, उनका प्रॉब्लम है सिर्फ उनको लोगों पे धौंस जमाने में मजा आता है, ईगो ट्रिप है उनका, पावर ट्रिप है। मैं सेक्रेटरी हूँ ये कर दूंगी, मैं सेक्रेटरी हूँ वो कर दूंगी, व्हाट इज दिस यार? करेक्ट, व्हाट करेक्ट, पर आज जो भी हुआ वो गमले की वजह से हुआ ना, तुझे बोलना चाहिए था बच्चे। सुनिए, इस मुद्दे को कमिटी मीटिंग में उठाएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। अरे वृंदा जी, हम पहले भी तो कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ा हमारी बात का? नहीं ना। अरे मिसेस तालुस्कर यहाँ की सेक्रेटरी हैं, और यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनकी जैसी सोच रखते हैं। तुम्हें पता है प्रॉब्लम यहाँ पे गमला नहीं है, प्रॉब्लम है बैचलर्स और खासकर लड़कियां। अरे वाह पिंटू वाह, बस चल दिखा अपने लटके झटके आज। ये कैसा डांस है, ऐसा लग रहा कि किवाड़ में कुंडी अटक गई, जाम पड़ेगा। अरे पिंटू, एक दिन हम दिखाएंगे तुम्हें डांस क्या होता है। अरे एक दिन कहते रहता है, कयामत के दिन दिखाएगी क्या? अरे नृत्य एक कला है, साधने के लाने रियाज करना पड़ते रोज, जैसे हम करते रोज वर्जिश, ऐसे अंगद पंगद सब सही रहते हैं, ऐसे भी करना पड़ता है। एक अकलमंद तो चाहिए, बाकी सारे तो काट के उल्लू का।
चुगली मत कर, रियाज कर रियाज। और गुड्डी आज तो छुट्टी रही होगी ना? चलो अच्छा है, हफ्ते भर की थकान से तन और मन दोनों को आराम मिल गया होगा। हाँ पापा। चलो अच्छा किया, चलो अपनी मम्मी से बात करो। गुड्डी कैसी हो तुम? ये तो हमें पता ही नहीं था। बैसाखी पे बंगालियों का नया साल भी हो तो है। हाँ नोवो बुर्शो। तो कैसा रहा? काका बना था वहाँ? दुनिया भर की चीजें बनी थी, जैसे हमारे यहाँ दिवाली में बनती है ना ठीक वैसे। अरे वाह पिंटू, शाबाश गुप्ती। जब तीज त्योहार साथ में मनने लगे ना तो खुश हो जाना चाहिए। नया साल नई शुरुआत। गुड्डी हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे अब सब अच्छा अच्छा होने वाला है ना? हाँ मम्मी। जय हो, शुभ। अच्छा गुड्डी अब तुम सो जाओ, कल ऑफिस भी जाना है ना। और सुनो दूध पी के सोना। आप भी ध्यान रखना। घर छोड़ना पड़ा तो एक वीक तो लगेगा नया घर फिगर आउट करने में। तब तक अगर होटल में रही तो सेकेंड हैंड कार के लिए जो भी सेव करी थी सब खर्च हो जाएगा। वो सेविंग में टच नहीं करना चाह रही हूँ। भी तुम कहना क्या चाहती हो, क्लियरली बोलो। I was thinking अपनी दोस्त से बात करूँ ना, श्रुति से। 2 BHK फ्लैट है उसका जूहू में। जब तक फ्लैट नहीं मिल जाता तब तक। I can't do that. I don't like to take favor of anyone. Now don't give me that. मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम जिन लोगों के साथ रह रही हो, you need to be very careful. Just go and say sorry to that auntie. उनका ईगो थोड़ा मसाज करो, वो पक्का मान जाएंगी। अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी ये करना पड़ता है। You know, सारी मेड एज आंटीज की प्रॉब्लम बीपी या डायबिटीज नहीं होता, इनकी प्रॉब्लम ईगो है। देखती हूँ। अच्छा बेब्स, आई गॉट अ गो, बाय। बाय। वाह यार, तेरा बॉयफ्रेंड तो मिडिल एज आंटी एक्सपर्ट भी है ना? सब पता है ना उसे, कितना टैलेंटेड बंदा है ना? बस अगर ये जरूरत के टाइम पे हेल्प कर देता ना तो मजा ही आ जाता। नो लेक्चर प्लीज। तुझे तेरी सेविंग्स की टेंशन है, श्री को अगर उसके घर का रेंट नहीं मिला तो जॉब करनी पड़ेगी उसकी टेंशन है। मैं बता रही हूँ, इंडिया को ना थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड तुम लोग ही बनाने वाले हो। और प्रॉब्लम तो मेरे और राधिका जैसे लोगों में ना, रोटी कपड़ा मकान, राइट? डैड प्लीज यार, यू गॉट टू हेल्प मी विद द सिचुएशन। सिचुएशन 911 इज नॉट वर्किंग क्या? No more jokes, yeah, dad. Mom का चीख पुकार मोड ऑन है, प्लीज हैंडल हर ना, यहाँ ऑलरेडी बहुत टेंशन है। टुलटुली डोंट बी टेंस, बी स्मार्ट पापा। आई ऑलवेज टेल ना, नो योर राइट्स। अरे ऐसे कैसे टेनेंट को निकल जाने के लिए बोल सकते हैं? सोसाइटी के भी बाईलॉज होते हैं, वो पढ़े हैं कभी कि नहीं? होती है एक सैड बोरिंग सी बुक, कभी नहीं पढ़ी मैंने। पर उससे क्या होगा, मिसेस तालुस्कर तो अपना डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करने में तुली हुई है ना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।